हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल जेनियल कुकीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन हांडी बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी तो सभी का ही फेवरेट होता है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी बिरयानी अगर घर पे ही बनाया जाए तो क्या बात। तो चलिए देख लेते हैं हांडी बिरयानी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 850 ग्राम चिकन ले ली है और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम देहरादून राइस 1 घंटे पहले भिगो के रखी थी। 5 आलू को मैंने अच्छी तरह से छील के बीच में से काट ली है और ले लेंगे 2 स्लाइस्ड ऑनियन। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए दे देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। अब देंगे 3 टेबलस्पून फेटा हुआ दही। और इसमें दे देते हैं 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के चिकन को मैरिनेट करके हम रख देंगे 1 से 2 घंटे तक। अब इसे ढक के रख देते हैं और यहाँ पर 1/2 कप गरम दूध के अंदर मैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर और रोज वाटर मिला ली है। अब इसमें दे देंगे 15 से 20 केसर के धागे। और इसमें देंगे 4 ड्रॉप जितना मीठा अतर और सभी को मिला के हम ढक के रख देंगे। गैस पर मैंने पानी गर्म होने के लिए बिठा दी है। अब इसमें दे देंगे 4 इलायची, 3 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 1 तेज पत्ता और पानी में उबाल आने तक इसे छोड़ देते हैं। कटे हुए आलू में अब दे देते हैं थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई को बिठा दी है और इसमें दे देंगे 1/2 कप जितना सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल। अब तेल के अंदर आलू को लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू का 1 साइड फ्राई हो गई है, अब इसे पलट देते हैं। आलू फ्राई हो गई है, अब इसे प्लेट में उठा लेंगे। इसी गरम तेल के अंदर हम दे देते हैं वो कटे हुए प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भुनेंगे और बेरेस्ता बना लेंगे। अब दूसरी तरफ पानी को देख लेते हैं। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें दे देंगे भिगोया हुआ चावल। प्याज का कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, यानी कि हमारा बेरेस्ता रेडी है। यहाँ पर चावल को भी चेक कर लेते हैं। चावल को हम 80% तक ही पकाएंगे।
ये पक चुका है, अब इसे छान के हम परत पर फैला देंगे। कढ़ाई में और 2 टेबलस्पून तेल हमने दे दिए हैं, अब चिकन में इसमें फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके सभी मैरिनेटेड चिकन को हम इसमें दे देंगे और फ्राई कर लेंगे। कुछ देर तक चिकन को चलाने के बाद अब इसे हम ढक देंगे। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। चिकन आधा पक चुका है, थोड़ी देर इसे और चला लेते हैं और फिर से इसे ढक देते हैं जब तक ना मसाला भून जाए। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिए हैं, यानी कि मसाले अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम दे देंगे 1 कप दूध। हम पानी की जगह दूध डाल रहे हैं, इससे चिकन ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। हमने दूध और मीठा अतर का जो मिक्सर बनाया था उससे 2 चम्मच हम चिकन के अंदर दे देते हैं। इससे क्या होगा, अतर का फ्लेवर भी चिकन में चला जाएगा। अब दे देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और मिला लेंगे। सारे ग्रेवी सूखने तक हम लो फ्लेम में इसे गैस पे छोड़ देंगे। ग्रेवी अब पूरी तरह से सूख चुका है, इसे थोड़ी देर तक चला लेते हैं और फिर रेडी हो जाएगा हमारा चिकन। यहाँ पर मैंने एक हांडी ले ली है, इसके अंदर ही हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। पहले इसके अंदर थोड़ा घी डाल देते हैं। अब देंगे राइस। उसके ऊपर से थोड़ा नमक। थोड़ा चीनी। कुछ बेरेस्ता फैला देंगे। अब देंगे चिकन के पीसेस। और आलू। अब ऊपर से दे देते हैं फाइनली चॉप धनिया के पत्ते, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इसमें दे देंगे 4 चम्मच आतर वाला दूध। अब ऐसे ही हम लेयर्स बना लेंगे, पहले चावल, फिर नमक, फिर थोड़ा चीनी। अब ऊपर से दे देते हैं थोड़ा सा घी, फिर गरम मसाला। और धनिया के पत्ते, कुछ बेरिस्ता। मैं यहाँ पर चिकन का 2 चम्मच ग्रेवी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर से दे देते हैं चिकन का पीसेस। और ये आखिरी लेयर राइस का, बची हुई बेरिस्ता भी ऊपर से दे देते हैं। धनिया के पत्ते, थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा ग्रेवी।
थोड़ा घी भी डाल देते हैं ऊपर से और सारा बचा हुआ केसर का दूध हम ऊपर से दे देंगे। बिरयानी का लेयरिंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे डबल बॉयलर में बिठा दी है। अब इसे हम ढक देंगे और रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसे उतार देंगे। अब रेडी हो गई है हमारा हांडी चिकन बिरयानी। अब इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो हमारा हांडी चिकन बिरयानी रेडी टू सर्व। यकीन मानिए दोस्तों, ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बना था। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।